एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मिंडोरा विलेज में मिलिटेंट्स का प्रेजेंस है, उसके बाद पुलिस, आर्मी, सीआरपी तीनों मिलकर कॉर्डन डाल रखा था। आज दोपहर से सर्च शुरू हो गया। सर्च के दौरान एक घर में मिलिटेंट्स प्रेजेंस के बारे में घर वाले ने बता दिया, कंफर्म कर दिया कि तीन मिलिटेंट हैं। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी अपील किया गया सरेंडर करने के लिए, जो हम लोग का एसओपी का पार्ट है। एसओपी करने के बावजूद कोई मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया, बल्कि अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया और फायरिंग किया। फिर इनकाउंटर शुरू हो गया, उसमें तीन टेररिस्ट मारे गए हैं, तीनों लोकल टेररिस्ट हैं और ये लोग एचएम से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसमें से एक लास्ट ईयर अगस्त में ज्वाइन किया था और दो इसी साल 1 जनवरी को ज्वाइन किया था। आप लोगों को याद होगा 2 जनवरी को त्राल टाउन में एक ग्रेनेड थ्रो हुआ था एसएसबी के बंकर में, जिसमें एक सीआरपी का लड़का जख्मी हुआ था और हमारे 8 सिविलियन जख्मी हुए थे। तो उसमें जो मघावा का टेररिस्ट था, उस टाइम हम लोग उसको आइडेंटिफाई भी कर लिए थे उसको जो थ्रो करने में, और एफआईआर में नाम भी उनका डाले थे, आरिफ बसीर मघावा त्राल का, ये भी इसमें इनकाउंटर मारे गए हैं। दूसरा है वारिस हसन नैबुक त्राल का है, ये अगस्त 2000 से एक्टिव था, ये मारे गए इनकाउंटर में। तीसरा है सईद आसिस उल हक नूरपुरा का है, एक AK-47 दो पिस्टल और 4 ग्रेनेड मिला वहाँ से।